नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की ताजा खबरें। कृषि कानूनों के विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद, वाम दलों के साथ बैंकिंग संगठन ने भी किया समर्थन। वाम दलों ने सरकार पर हट करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र संघर्षित किसानों से बातचीत करने से इनकार कर रहा है। वाम दलों ने मांग की है कि नए कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए। 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती के मौके पर कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती है, इस मौके पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी दोनों युवा नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। जिग्नेश मेवानी गुजरात के वडगाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक। राजस्थान में कल रीट परीक्षा। अजमेर जिले में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट पर रहेगी पाबंदी। राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। परीक्षा में नकल जैसी किसी भी गड़बड़ी को रोकना आयोजकों के लिए चुनौती। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के क्षेत्र को लेकर अलर्ट जारी। तटरक्षक बल ने मछुआरों को किया आगाह। IMD के मुताबिक रविवार को ये डीप डिप्रेशन ओडिशा तट से टकरा सकता है। भारतीय तटरक्षक बल ने इसको लेकर मछुआरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंगवार की आशंका। तिहाड़ समेत दिल्ली की भी सभी जेलों को किया गया अलर्ट। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कल शूटआउट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत के बाद गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। इसके चलते तिहाड़ जेल, मंडोली और रोहिणी जेल समेत जेलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री का ऐलान। राज्य की कुल वयस्क आबादी के 50% हिस्से का हुआ पूर्ण टीकाकरण। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर गोवा के कुल योग्य आबादी के 50% लोगों के पूर्ण टीकाकरण की जानकारी। देश में 24 घंटे में मिले 29,616 नए कोरोना मरीज। बीते दिन 290 लोगों की गई जान। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 29,616 नए कोरोना मरीज आए हैं और 290 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 28,046 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 4,496 एक्टिव केस कम। कोरोना पर कंट्रोल के बाद 1 अक्टूबर से कर्नाटक में मिलेगी ज्यादा छूट। पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। अब अगले महीने की पहली तारीख से राज्य के सभी सिनेमा घर और ऑडिटोरियम पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। राज्य सरकार ने इसके अनुमति दी है। UN में इमरान खान ने कश्मीर को लेकर बहाए घड़ियाली आंसू। भारत का पलटवार, कहा तुरंत खाली करो POK। भारत ने कहा कि इमरान खान आतंकवाद के पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। इमरान खान के भाषण के बाद राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के झूठे आरोपों की कलाई खोल कर रख दी। मोदी बाइडेन के बीच बैठक 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे तक चली। बाइडेन बोले अगली बार 2 दिन से ज्यादा कहो कार्यक्रम। अधिकारियों ने बताया कि बाइडेन से मुलाकात के अलावा क्वाड शिखर सम्मेलन भी बहुत ही व्यवहारिक और उपयोगी था, जो अन्य शिखर सम्मेलनों से काफी अलग था। न्यू मंगलोर बंदरगाह पर 3 परियोजनाओं का जलमार्ग मंत्री सोनोवाल ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कर्नाटक के न्यू मंगलोर बंदरगाह को करोड़ों की सौगात दी है। इस दौरान मंत्री ने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कोर्टरूम में बदमाशों ने जितेंद्र गोगी का 3 घंटे किया इंतजार। आते ही सीने में सटाकर मारी गोली। पुलिस ने भी जानकारी दी है कि राहुल और जयदीप ने वकील की जो ड्रेस पहनी हुई थी वो बिल्कुल नहीं थी। इतना ही नहीं, दोनों के पैरों में जो काले रंग के जूते थे वो भी बिल्कुल नहीं थे। महाराष्ट्र में खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन 7 अक्टूबर से महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल खुले जाएंगे। CM ममता का BJP पर निशाना, कहा हमला तो दूर, आपको छूकर भी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने सुना है कि BJP एक कार्यकर्ता की चुनाव के महीनों बाद मृत्यु हो गई थी। ऐसी मौतें हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होती है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी, विदेशी तकनीक का होगा इस्तेमाल, फ्री मिलेगी दवा। कोरोना के आगामी संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कई मोर्चों पर तैयारी हो रही है। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम की ओर से दक्षिण दिल्ली में 1 विश्व स्तरीय डायलिसिस सेंटर बनाया गया है। हीरा कारोबारी के 23 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। 500 करोड़ के हीरे का रिकॉर्ड नहीं, बड़ी मात्रा में फिजिकल और डिजिटल डेटा जब्त। रेड में मिले रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में पता चला है कि 518 करोड़ रुपए के हीरों की खरीद बिक्री से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं 95 करोड़ रुपए का डायमंड स्क्रैपिंग। दिल्ली मेट्रो NCR बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया।